राव साहब की पहली पंजाबी फिल्म पंछी ते परदेसी अलीए राज साहब जड़े ने कॉमेडी के तौर पर मौजूद सन। फिर उस तो बाद वीर प्यारा और एक लंबी दास्तान है और 1980 एक फिल्म आती है अथरा पुत्र। अथरा पुत्र तक वो करैक्टर एक्टर रोल अल्ताफ साहब करते रहे। फिर शोरा फाग फिल्म आती है साला साहब। साला साहब एक ऐसी फिल्म सी जिन्हें एक ट्रेंड सेट किया, एक मजाइया मुसलस बनी और पहली बारी बनी अली एजाज नन्ना और रंगीला और वो फिर फिल्मों की लोड बन गई। और अल्ताफ साहब दिया फिर उस तो बाद जड़िया फिल्मों ने खसूसी तौर पर साहब जी है दीवाना मस्ताना है कुदरत चूड़िया निका हीरानी और बेशुमार फिल्मों ने जड़ी अल्ताफ साहब ने डायरेक्ट की दिया। तो मैं चाहवागा कि असी गुफ्तगू का आगाज जोड़ा है वो अल्ताफ साहब तो करने हैं। तो मेरे सवाल के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा मेरा ये कि तुसी पंछी तो परदेसी तो लेके अथरा पुत्र तक जड़े तुसी उन्होंने को किरदार करवाए, तुसी उन्होंने को मजाइया किरदार भी करवाए, तुसी उन्होंने कहानी का हिस्सा भी बनाया, तुसी मुख्तलिफ रोल करवाए और खास तौर पर जड़ा अथरा पुत्र च जड़ा एक सीन है 12 मिनट का और पब्लिक जी है इन्ना इंजॉय किया वो जेल के सीन में, तो मैं समझना वा कि तुसी वो कमाल कर दिता है और 12 मिनट का सीन इको सीन देखना ये बड़ी वड्डी गल है। वो इन्नी दिलचस्पी तुसी पैदा की अपनी हदायतकारी के नाल कि अज भी अथरा पुत्र जी है वो उस सीन की वजह ना जी है वो याद है। तो तुसी जरा पंछी ते परदेसी ते अथरा पुत्र तक जरा मेहरबान करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम।